आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि राज्य सरकार के पास हर साल की तरह ही पैसा है और कोष की हालत ठीक है। शिवराज सरकार में वित्त मंत्री रहे जयंत मलैया ने कांग्रेस पर तीखे वार करते हुए कहा कि जब 2003-04 में कांग्रेस की सरकार थी तब राजस्व घाटा 4,476 करोड़ रुपए था। इसके बाद बीजेपी सरकार ने FRBM एक्ट यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट के तहत ही लोन लिए हैं जो कि RBI के तहत आता है। मलैया ने कहा रेवेन्यू कलेक्शन भी हमारी सरकार में बढ़ा। 2003-04 में रेवेन्यू कलेक्शन 6,805 करोड़ रुपए था जो 17-18 में 50,000 करोड़ हो गया। मलैया ने कहा कि सरकार ने जो लोन लिए थे उसे प्रदेश के विकास कार्य हुए हैं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यय किया और क्षमताएं बढ़ाई हैं। मलैया ने कहा कि बीजेपी के 15 साल में कभी भी ओवरड्राफ्ट की नौबत नहीं आई, हमेशा रेवेन्यू सरप्लस में रहा। श्रीमान राजेश राजौरा जी जो प्रमुख सचिव हैं कृषि विभाग के, उन्होंने लिखाया है, उसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आपने देखा होगा आ गया ना। तो हाँ, मध्य प्रदेश शासन एतद द्वारा निर्णय लिया जाता है कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित राष्ट्रीयकृत तथा सहकारी बैंकों में अल्पकालीन फसल ऋण के रूप में शासन द्वारा पात्रता, वो अभी पात्रता बनी नहीं है शासन की, पात्रता अनुसार पात्र पाए गए किसानों के रुपए 2,00,000 तक की सीमा के दिनांक 31 मार्च 2018 तक की स्थिति में बकाया फसल ऋण माफ किया जाता है। मेरी अधिकारियों से आज सुबह ही बात हुई है, काफ़ी बड़े अधिकारियों से, उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या असर होगा। ये तो घोषणा थी माननीय राहुल गांधी जी की कि जिस मुख्यमंत्री ने 10 दिन के अंदर कर्जे माफ़ नहीं किए उसको 11वें दिन में हटा दूंगा। तो अब सब लोग इसी डर के कारण बिना किसी तैयारी के किसानों का कर्ज माफ़ कर रहे हैं। अच्छी बात है, स्वागत करते हैं, होना चाहिए, क्या दिक्कत की बात है। हमने भी किसानों के लिए बहुत किया है, पिछले एक वर्ष ही में किसानों के खातों में अलग अलग मदों में हमने 31,000 करोड़ रुपया डाला है। मलैया ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस ने 27,000 करोड़ का कर्ज दिया था, हमने सकल घरेलू उत्पाद 8% की बढ़ोतरी की, FRBM के मुताबिक ही सकल घरेलू उत्पाद का 25% तक लोन जनता के हित में लिया, अब ये कर्ज 1,60,000 करोड़ है। जयंत मलैया ने कमलनाथ के कर्ज माफी को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने आनन फानन में किसानों का कर्ज बिना सोचे समझे माफ़ किया और ये पूरी तरह सच नहीं है। किसान कर्ज माफी घोषणा में लिखा है कि राज्य शासन पात्रता के अनुसार 2,00,000 का कर्ज माफ़ किया जाएगा, तो सवाल अभी यह है कि राज्य शासन कौन सी पात्रता की बात कर रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।